नमस्कार, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज हम क्वाथ बनाएंगे, काढ़ा। अगर किसी को चक्कर आते हैं, जी घबराता है, भूख नहीं लगती है, हाथ पैरों में दर्द होता है, सिर में बहुत दर्द होता है, तो ये काढ़ा उन सब बीमारियों को ठीक करेगा। सब में बहुत ज़्यादा आराम देगा। वात, कफ और पित्त, ये तीन विकार होते हैं हमारे शरीर में जो बहुत ज्यादा उपद्रव मचाए रखते हैं, इनको शांत करने वाला काढ़ा है ये। अगर ये तीनों शांत रहते हैं तो शरीर में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये चीजें लेने के लिए हमको बाजार में नहीं जाना है, हमारी रसोई में ही उपलब्ध है। कहते हैं ना कि हर हिंदुस्तानी की रसोई में आयुर्वेद उपलब्ध होता है। हम लोग वो चीजें रोज खाते हैं, रोज प्रयोग करते हैं, लेकिन कौन सी चीज किस तरह से काम में लेने से उसके क्या लाभ होते हैं, तो आइए हम बताते हैं कि इन चीजों को काढ़े के रूप में काम में लेने से आपके अंदर इतनी ताकत आएगी, इतनी ऊर्जा आएगी, कभी आपको थकान नहीं लगेगी, हर समय फ्रेशनेस रहेगी। तो चलिए काढ़ा बनाना शुरू करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिख के बताइए कि जीवन रक्षक काढ़ा आपको कैसा लगा। अगर आप कमजोरी, अनिद्रा, जी घबराना, चक्कर आना, इस तरह से परेशान हो रहे हैं तो आपके लिए काढ़ा बना रही हूँ। सबसे पहले आप 1 लीटर पानी इस भगोने में डाल दें। इसको बड़ी हरड़ बोलते हैं। इसका एक छोटा टुकड़ा, ये इतना टुकड़ा इस पानी में डाल दें और जितने लोगों के लिए आप काढ़ा बना रहे हो उस हिसाब से अंजीर डालें। मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैं 2 अंजीर डालूंगी। पानी जब ये आधा रह जाएगा तभी फायदा करेगा, इतना आपको उबालना है। आधा और भी ज्यादा अगर उबाल सकते हो, चौथाई कर सकते हो तो चौथाई कर दो उबाल उबाल के। 2 जनों के हिसाब से मुनक्का छोटे छोटे हैं तो हमने 8 लिए हैं। अगर बड़े मुनक्का हो तो आप 4 लो। मुनक्का गर्म पानी में डाल दिए, ये खौलाना है हमको। 4 तुलसी के पत्ते डालेंगे और थोड़ा सा पुदीना। सारी वही चीजें हैं जो आपके घर में आसानी से अवेलेबल है। डिब्बों में से निकाली, पानी गर्म किया और डाल दिया। और शाम की चाय अगर आप इसी तरह से पीने लग जाओगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4-5 काली मिर्च दरदरी कूट के डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर नहीं डालेंगे। पाउडर बच्चे नहीं पी पाते हैं, गले में बहुत लगता है। ये काढ़ा आयुष मंत्रालय द्वारा बताया गया है और ये सबको पीना चाहिए। सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में तो जुकाम, खांसी ये सब लगा रहेगा और क्यों गले की प्रॉब्लम पैदा होने दें। पहले से पहले गर्म पानी और काढ़ा पीते रहे ना। हमने 8 काली मिर्च दरदरी कूट ली है। अब मैं इनको काढ़े में डाल दूंगी। अगर आपको चक्कर आते हैं, जी मिचलाता है, धक 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 होती है, तो या तो आप शाम को 6 बजे इसको चाय की जगह पी लो, वही टाइम सही रहता है। अगर उस समय आप नहीं पी सकते हो कोई कारण है तो खाना खाने के बाद रात को सोते समय पी लो इसको, ये बहुत फायदा करता है। 2 जनों के हिसाब से काढ़ा बना रही हूँ इसलिए 2 खजूर इसमें डालेंगे। इन चीजों से हमारा पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर हम रात को ये वाला काढ़ा पी के सोए तो सुबह बिल्कुल क्लियर मोशन होगा। इसके अलावा इतना हल्कापन लगेगा, ये सिर में दर्द, भारीपन, चक्कर आना, ये सब गैस एसिडिटी से होता है। और इससे ये बड़ी हरड़ जो मैंने डाली है ये गैस के लिए रामबाण औषधि है, आप ये समझ लीजिए। तो अब ये खोला खोला के हम आधा करेंगे। आप नियमित रूप से संकल्प ले लीजिए कि नियमित रूप से आपको इसका सेवन करना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी हल्दी। हल्दी के बारे में कौन नहीं जानता, एंटीसेप्टिक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और अंदर से हमारे सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करती है। आप ये सेवन कीजिए, आप देखेंगे खुद कि आप अंदर से कितनी पावर हो गई है, आपके अंदर एकदम ताकत हो गई है, आलस नहीं आता है, चक्कर नहीं आते हैं, जी नहीं घबराता है, आंखों के आगे अंधेरा नहीं छाता है। तो आप देखिए पी के एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी तो ये खोल रहा है, खोल खोल के ये आधा होगा। थोड़ी सी किशमिश डालेंगे। किशमिश एनीमिया को ठीक करती है। अगर हमारे
ब्लड संबंधी कोई भी विकार है तो सारा विकार दूर करती है और ये किशमिश उसको बैलेंस करती है। तो इसमें सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी पड़ी हैं, एकदम से ताकतवर है। हम भूल जाते हैं, हम बनाते नहीं, सबके घर में उपलब्ध होता है। घर में से डिब्बों में से निकालिए, बनाइए और पीजिए, और आप कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये। अभी ये 5 मिनट और उबलेगा इसी तरह से, और जब आधा रह जाएगा, 500 ml रह जाएगा, हमने 1000 ml पानी डाला इसमें, 500 ml, 400 ml रह जाएगा, दो जनों के हिसाब से बनाया है, 2 कप रह जाएगा, तब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे। अभी ये खोल रहा है, खोलाने के बाद ये सारे इंग्रेडिएंट्स इस तरह से फूल जाएंगे। ये देखिए, इसका सारा सत पानी में आ गया। चीजें सबके यहाँ होती हैं लेकिन सोच नहीं पाते हैं। काढ़ा तैयार हो गया है, अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसमें ये जो अंजीर है इसको फेंकना नहीं है, पानी पी लेना है, और पानी पीने के बाद इसको चबा चबा के खा लेना है, या पहले इसको चबा चबा के खा लो, ऊपर से पानी पी लो। ये सारी चीजें चबा चबा के खानी है, ये फेंकनी नहीं है, खा लो फिर पानी पी लो, या ये काढ़ा पी लो उसके बाद में ये खा लो। इनका सबका सब काढ़ा में आ गया है। ये सारी चीजें हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रांग बनाती हैं। चक्कर आना, जी मिचलाना, सिर में दर्द रहना, हाथ पैरों में फूटन होना, ये सब इससे सही हो जाता है। कैल्शियम, हड्डियां हमारी मजबूत हो जाती हैं, हर तरह से फायदा होता है इससे। सारे विकार आयुर्वेद में बताया गया, सारे विकार जो है पेट से, अगर हमारा पेट वीक है तो कोई भी बीमारी बहुत जल्दी अटैक करती है, और इससे क्या है, हमारी पेट संबंधी जितनी बीमारियां हैं वो सब सही होती हैं। अब हम काढ़ा को कप में छान लेंगे। और ये बची हुई चीजें ठंडी हो जाएंगी, तुलसी के पत्ते, पुदीना के पत्ते, अंजीर, और ये अपना मुनक्का और डेट्स, सब चबा चबा के हमको खाने हैं, कुछ भी फेंकना नहीं है। तो हमने काढ़ा बनाया आपके लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। आप काढ़ा बनाइए, पीजिए, शाम की चाय की जगह ये काढ़ा ही पीना शुरू कर दीजिए, काढ़ा पीजिए, और कमेंट्स में लिख के हमें बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखना, बाय बाय।